स्पेकुलेटिव हो सकता है बहुत ज्यादा हेट ला सकता है वीडियो। But I would ask you guys कि इस वीडियो में क्लियरली आपको अपने व्यूज बताऊंगा जो भी प्लेयर्स है नॉमिनेटेड है जो भी प्लेयर्स है जिनको लोग बात कर रहे हैं किनर्स है उनके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उनके स्टार्ट देखेंगे उनकी ट्रॉफीज देखेंगे उनका ऑन एंड ऑफ द पिच बिहेवियर भी देखेंगे पार्ट इन दैल एंड योर सिलेक्शन डेफिनेटली फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन ये अपनी मैगजी के लिए डिस्ट्रीब्यूट दिस अवार्ड दो हजार बीस में उन्होंने नहीं भी आदि and lewandowski want to have a talk with you right now. chữ con cặc đồ mày nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao mày.

उसका ये सीजन बहुत ही तगड़ा चल रहा है बथेरे गोल्स उसने मारे, है अलीगढ़ टॉप स्कोरर ऑलरेडी है काफी सारे असिस्ट उसने कर रखे हैं नेशंस लीग जीती है उसने मैं यहाँ पे थोड़े से स्टार्ट बताता हूं आपको फोर्टी सिक्स गोल कंट्रीब्यूशन सो फार दिस ईयर he was a he played a crucial part in the UEFA Nations League win of France balki usne sirf semi final and final khela tha but he had a tremendous game fir is season pe ko tum dekhoge he is in tremendous form already 16 goal contribution kar chuka hai 8 league games hai already highest hai in the top scorer of the top 5 leagues and second highest top scorer tha wo pichle saal ki la liga ka Although दो उसको कोई भी सिल्वरवेयर नहीं मिला रियल मड्रिड वेंट ट्रॉफी Benzema बेनजीमा ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है बट मड्रिड को

मुझे बताना है कि क्यों नहीं जीतना चाहिए नेशंस लीग एक सिंपल मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट अ फ्रेंडली जिसको आपने एक नेशंस लीग बना दी है आई डोंट वैल्यू दैट टूर्नामेंट सो मच मेरे हिसाब से दैट इज नॉट दैट बिगर टूर्नामेंट एंड भले उसमें बेजीमा खेला फ्रांस खेली अच्छे क्वालिटी मैचेस होते हैं बेनजीमा ने सिर्फ दो मैचेस खेले सेमीफाइनल एंड फाइनल तो आप ये दो मैचेस के बेसिस पे एक टाइटल के बेसिस पे आप शायद बैलेंडियो नहीं दोगे स्टिल ही वॉज एट ब्लिस्टरिंग फॉर्म काफी गोल इन्वॉल्वमेंट काफी सारे गोल मारे ओवरऑल अगर आप सीजन देखोगे तो दिसंबर लास्ट ईयर से लेकर अभी तक के दिसंबर तक जो है बेनजीमा का डिप नहीं he has been डस तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जैसे कि कोई ट्रॉफी नहीं जीता टॉप स्कोरर नहीं था और नेशंस लीग भी जीता तो सिर्फ दो मैचेस खेल पाया तो यही सिर्फ नेगेटिव पॉइंट कोई नेगेटिव पॉइंटीमाई आई थिंकमा शुड से आप क्रिस्टियानो uh, रोनाल्डो की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिकॉज yes, कुछ लोग कहते क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है क्रिस्टियानो क्यों है क्योंकि बिकॉज अगर आप देखोगे तो टॉप स्कोर था वो सीरिया आम है ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ओवर देर कोपा इटालिया जीता सुपर कोपा इटालिया जीता गोल्डन बूट जीता यूरोज में फोर्टी प्लस गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इयर ऑलरेडी एंड करेंटली अगर देखोगे तो ही इज इन ग्रेट गोल्ड स्कोरिंग फॉर्म एट मैचस्टर यूनाइटेड कौन क्या है क्यों नहीं क्रिस्टियानो कंसिडर किया जाएगा क्यों नहीं जीतेगा मेरे अकॉर्डिंग बिकॉज ई डेंट विन द लीग फर्ट ऑफ ऑल यू रोज में ही गॉट नो डाउट उसके बाद नॉट इंक्लूडेड इन द टॉप फाइव ऑफ द यू एफ आयर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ग्रुप स्टेज में नेशंस लीग से भी ही वॉज गॉट नॉकड आउट एंड चैम्पियंस लीग के स्क्वाड में भी ही वॉज इंक्लूडेड तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मुझे लगता है क्रिस्टियानो से नहीं जीतेगा एंड आपको क्या लगता है क्रिस्टियानो का क्या रैली में एक बहुत ही स्ट्रॉग स्टेटमेंट है है तो मुझे बताना। नेक्स्ट जो बंदा है जिसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सकता है but then again, कुछ ऐसे हैं हैं। जिनको मैं बताऊंगा जिसके हिसाब से कि वो शायद ना जीते। Let's see, पहले की की बात करते की। भाई दुनिया पागल है है इटली पे ठीक चैंपियंस लीग जीता सुपर कप जीता चेल्सी से Euros जीता, Men's Player of the Year जीता उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फॉर इटली The Euros. तो इटली इतना तगड़ा गेम प्ले कर पाए इतना अच्छा खेल पाएन द यूरोज बिकॉज जॉर्जीनो जो, जो पिवेट रोल किया है ही हैड ट्रिमेंडियसली डन दैट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका ऑल दो गोल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था यहाँ पे लोग कहते हैं कि बैल और थोड़ा सा रिग्ड बिकॉज कैसे आप एक मिड को एक गोल स्कोरिंग फॉरवर्ड से कंपेयर करोगे ऑब्वियसली बात है तो आप कैसे कंपेयर करते हो यू लुक एट द टाइटल यू लुक एट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आप उनको मैच करते हो एंड वो कोई फॉर्मुला यूज करते हो मुझे नहीं पता बट यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस हाउ क्रूशियल यू वर एज एन अट योर टीम आपके बिना वो क्या कर पाते यू हैव बिन जॉर्जिनो हैज बीन अ वेरी क्रिशल प्लेयर फॉर इटली चेल्सी पे नॉट सो मच ओवरऑल रेटिंग अगर बात करोगे तो एनगोलो कॉन्टे की ओवरऑल रेटिंग फॉर चेल्सी हैज बीन बेटर देन ठीक है बाकी इटली पे अगर बात करोगे तो वराटी की रेटिंग डॉट कॉम पर चेक करो तो जॉर्जिनो से बेटर रही है स्टिल जस्ट बिकॉज ही वन एवरीथिंग काफी अच्छी ही हैड बीन परफॉर्मेंसिडर ठीक है थिंग्स क्यों नहीं उसके फेवर में है किस वजह से वो नहीं जीत सकता है ओवरऑल स्टार्ट तो बताया एज अ अम एट चेल्सी इट वॉज एवरेज ठीक है वन असिस्ट था उसका पूरे लास्ट सीजन में और एक डिफेंसिव मिडफील्डर के अगर तुम स्टार्ट कंपेयर करोगे विद द विद्यवलेंट प्लेयर्स वो कंपेरेबल भी नहीं थे तो यहीं पे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका हो गया स्टिल जस्ट बिकॉज हैज वन द टाइटल्स यू विल गिव द बैल बैलेंड टू अ गाय जिसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसके फेलो प्लेयर्स के कंपेरेबल भी नहीं है क्वेश्चन वहीं उठता है बाकी एग्जांपल और है। आपको कुछ ऐसे एक्सलेंट है प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जीती जैसे सर बुस्केट जीता है चैंपियंस लीग ला लीगा एंड देन ही वन द वर्ल्ड कप इज वेल काफी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी याविन यस्ता क्रूज इन्होंने भी सेम चीज़ किया था तो उनके उनको कंसिडर नहीं किया बुस्केट्स नेवर मेड इन टू द टॉप ट्वेंटी लिस्ट ऑफ़ द डोर एन यहाँ पे जॉर्जिनो इज कंसिडर्ड एज दी विनर प्रोबेबली so यही मुझे डाउनफॉल लगता है मेरे मेरे ओपिनियन में भाई मुझे जान मत लेना यार मेरे बड़ा डर डर के वीडियो बनाता है आराम लेवान डोस की अगला बंदा है जो कि मुझे लगता है प्रोबेबली 99.9% जीतेगा पॉइंट मैं अपना ओपिनियन यहां पे बता दू फॉर मी अगर लेवान डोस की जीतता है आई वुड बी लाइक भाई वेल डन आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट गाय फॉर मी ही कुड बी द विनर आई वुड बी स्लीपिंग वेरी वेरी पीसफुली यहां पर वाई शुड विन इट क्यों आर्गूमेंट यहाँ पे मेसी फैंस क्यों सोच सोचे होंगे बिकॉज भाई गोल्डन बूट विनर यूरोपियन सबसे पहले बात ट्रिमेंडस उसने बुंड फॉर दी गोल की ठीक है बुंदसली का टॉप स्कोर रिकॉर्ड ऑफ जोर्ड मुलर प्रीवियस रिकॉर्ड था मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट पता चली सिक्सटी गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है, है. यह सारी चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है किफेक्टिव सब कुछ कंट्रीब्यूशन करके दिखा चुका है जो एक फिजिकली एक बंदा कर सकता है बट जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो क्या हैं लेट्स टेक अ लुक एट दैट यूरोज में ही गॉट नॉड डाउट एंड यहां पे लोग ब्लेम करेंगे कि नेशनल टीम उतनी कैपेबल नहीं है तो वो नेशनल टीम से वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता फील्स बैड फॉर हिम ओवर देर यूरोज में कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूश नहीं था पार्टफॉर्म इज वन या टू गोल जो उसने मारा ऑल्दो ही प्लेड दैट गेम रियली वेल चैंपियंस ली में ही गॉट नॉक डाउट ऑब्वियसली उसकी टीम नॉक डाउट हुई थी ही वॉज गॉट नॉक डाउट बिकॉज उसको इंजरी हो गई थी एंड ऑल ठीक है फिर विनिंग द गोल्डन बूट डजेंट इंश्योर द बैलें बिकॉज हमारे पास काफी ऐसे एक्साम्पल है जहां पर प्लेयर्स

पट कहां मात खा जाते हैं टाइटल विनिंग एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जब आप एक करोगे तो कोई ना कोई बंदा लैक करता है बेजीमा इंडिविजुअल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑब्वियसली टाइटल्स नहीं थे उसके पास राइट जॉर्जिनो टाइटल्स बथेरे थे बट इंडिविजुअली कोई ऐसी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं थी जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आप कहोगे यू प्रोबली वुड थिंक कि मैं बकवास कर रहा हूं यहां पे आप कैसे कह सकते हो कि जॉर्जिनो की बेटर परफॉर्मेंस नहीं थी बट बाई मैं यहाँ पे स्टार्ट से बेस कर रहा हूँ आपको आप रेटिंग ओवरऑल अगर देखोगे तो वराटी की भी रेटिंग बेटर थी जल से आपको पता है जॉर्जिनो डेंट हार्ड सच गुड सीजन बिकॉज कॉन्टे को और ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे थे झूठ पर बोल यस टे का नाम और ज्यादा आता जॉर्जिनो जॉर्जिनो के अगेंस्ट तो राइट right, कहां से कॉन्टे से जॉर्जिनो पे शिफ्ट हुए तो मुझे नहीं पता वे डिड आई लूज यू गाइस बट नथिंग अगेंस्ट दैट गाय आई बिलीव इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द टाइटल्स शुड बी मैचिंग यहां पे दिस गाय हैज गॉट एवरीथिंग लुक एट दैट कोपा अमेरिका जीता कोपा डेल रे जीता फाइन इतनी बड़ी बड़ी टाइटल्स नहीं है कोपा अमेरिका प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट जिस पे मैं बेस करूंगा सब कुछ एमवीपी टॉप टॉप गोल स्कोरर टॉप असिस्ट प्रोवाइडर इन कोपा अमेरिका रिमाइंड में जब एक बंदा रूल किया हो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को यस, यू वुड लुक एट डांस परफॉर्मेंस रोनलिनोज परफॉर्मेंस रोनाल्डोस परफॉर्मेंस फाइन दिस वाज मेसी परफॉर्मेंस मैं ऑफ द मैच इन द फाइनल पिचिची अवार्ड जीता टॉप स्कोर ऑफ लालीगा फिफ्टी टू गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सो फार दिस सीजन स्कोर्ड ऑर क्रिएटेड एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द चांसेज एट एफ सी बार्सोलोना इन द लीग लास्ट सीजन वेरी मच इन्वॉल्व ब्रोक पेल रिकॉर्ड ऑफ द टॉप स्कोर इन दूरोप साउथ अमेरिकन प्लेयर साउथ अमेरिकन प्लेयर हैज द मोस्ट ड्रिबल्स कम्पलीटेड ऑल ये सब तो छोटे स्टार्ट है फोर्थ इन दू एफ मेस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड ऑफ द टॉप फाइव लीग लास्ट सीजन ट्वेंटी सिक्स मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं एंड हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन आर्जेंटी ट्वेंटी फाइव गेम ऑन बीट एंड रन ऑब्वियली चल रही है अब थिंग्स जो है उसके फेवर में नहीं है कि यार चैंपियंस लीग से ही गॉट नॉक डाउट राउंड ऑफ सिक्सटीन में ही थर्ड आई लीग में पुअर पी आर वर्क है इनका यहां पे ज्यादा पब्लिशमेंट एंड ये सब नहीं करते हैं मेसी को भी फर्क नहीं पड़ता उससे पूछा गया और उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता आई डोंट रियली केयर जीतूंगा हाँ दैट वुड बी गुड फिर नॉट अ ग्रेट स्टार्ट विद पी एच जी एप्सोलूटली एक चीज है जो कि मेसी को काफी ज्यादा डिप देती है दैट इज की पी एच जी पी ही एज इन क्लिक्ड एंड वहां पर मैं ब्लेम करना चाहूंगा थोड़ा सा इंजरीज को थोड़ा सा नए टीम में इन्वॉल्वमेंट को बट आई वुड आस्क पीपल की यार वो उसके ये तीन महीने जो उसने गुजारे पी एच जी पे पर आप बेस मत करो लुक एट द थिंग्स दैट ही डन एट दिंग करंट का अगर बार्सोलाको देखोगे एंड लुक हाउ दे आर प्लेइंग सो बैडली एंड इतनी बुरी टीम को मेसी गाय टू स्कोर उस मेसी ने टॉप स्कोरर अवार्ड जीता है विद दिस बार्सोला टीम सो इंडिविजुअली ही वॉज ब्रिलियंट ऑल द लीग क्लब लेवल पे ही हैज इन वन सो मेनी थिंग्स बट भाई नेशनल लेवल पे उसने फाड़ दिया भाई बीट द वर्ल्ड क्लब क्वालिफायर्स बीट द कोपा अमेरिका ही वॉज रूथलेस ही वन इट स्कोर टॉप असिस्टर एवरीथिंग जस्ट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स अभी मैं भूल की परफॉर्मेंस विच सो बैड इवन मेसी की परफॉर्मेंस आप पीएसडी पे देखोगे तो ही जस्ट मिस इज अ गोल चैंपियंस लीग में है थ्री गोल्स ठीक है लीग में ही प्लेड लाइक टू थ्री फुल मैचेस टोटली बाकी सारे हाफ अपियरेंस थे इंजरी हो गई एन ऑल आई बिलीव किसी वुड बी प्लेइंग मोर वो गोल्स आएंगे यार ठीक है आई बिलीव मेसी फॉर मी शुड बी द विनर आपको क्या लगता है कौन जीते एंड बाय नो हेड यार स्टिल नो हेड इट्स माई ओपिनियन ठीक है no hate, yeah, no opinion, आप अपने ओपिनियन बता सकते हो ये मैं वीडियो बनान चाह बिकॉज बहुत क्लोज है अभी चैंपियंस लीग अभी सॉरी बैलेंडे और आने वाला है ट्वेंटी नाइन्थ को दिया जाएगा आपको क्या लगता है हु शुड बी द विनर यार मुझे बताओ आपके व्यूज़ क्या हैं एंड कैसे आप एक दूसरे को एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के ऊपर रखोगे क्या क्राइटेरिया आप यूज़ करोगे लेट मी नो एवरीथिंग इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो भाई मैं न्यूट्रल होने के लेस्टर सिटी की जर्सी पहन के आ रहा हूं आई कैनोट ट्राई आई कैन ट्राई आई कैनोट बी न्यूट्रल भाई आपका एक थोड़ा सा फैन जो मोमेंट वाला जो चीज है ना बालीडोर के वो निकल के आ जाता है एंड दैट इज फुटबॉल यार आप अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको रुक करोगे तो फील फ्री लेट मी नो आपका सपोर्ट किया है मेसी लेवाडोस की बेन्जीमा जॉर्जिनियो और इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई सी यू गाइस वेरी सून अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट